हमारी मॉर्निंग हुई है और अभी मैंने नेमल को शावर दिलाया है। सारा कमरा यूं बिखरा पड़ा हुआ है। ये मैंने अपने जूते धोए थे, वो मैंने इन बॉक्सेस में डाले, इनको अलमारी में रखना है। ये कोई कपड़े हैं, ये रखने पफी में। वो मम्मा की शर्ट है, वो मैंने कल साथ ले जानी है। और मैंने नेमल को शावर दिलाया, मैंने सोचा कि अभी से व्लॉग जो है वो शुरू कर लेती हूँ। अभी मैंने खुद लेना है शावर और कमरा साफ़ करना है। और नेमल एज यूजल नहाने के बाद इन्जॉय करी, इसको इतना पसंद है नहाना, ज़रा भी नहीं रोती, इतना खुशी खुशी नहाती है ना। पहले सर्दियों में इसका ज़रा सा सर पे पानी जाता था तो रोती थी थोड़ा सा, अब तो वो भी बिल्कुल भी नहीं रोती। और अभी रूम साफ़ करना है। मैंने नेमल को नहला दिया है और जैसे देखती है ना कैमरे को, जैसे कि उसको बड़ी अच्छी तरह पता हो उसकी वीडियो बनती है। ये रोमपर मैंने नेमल को बनाया है, हंस रही है। नेमल, नेमल, आज के बता दो। गंगा बेबी। आज क्या डेट है? आज मेरा ख्याल से 3 है ना, 7 को नेमल जो है वो 6 मंथ्स की हो जाएगी माशाल्लाह से। हंस रही है गंगा बेबी, हंसता है। सारा साफ हो चुका है, मिरर्स भी मैंने साफ कर लिए, मैंने नहा भी लिया। और ये नेमल का आउटफिट नंबर 2 हो गया है। नेमल के दिन में 3 से 4 दफा कपड़े चेंज होते हैं आराम से। गंदा, देखो सख्त किस्म की गर्मी है ना, कि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। गंदा, खुशी है आज आपको अच्छा हो गुब्बा। मैं जरा थोड़ा बाहर चल कर ही कर लूँ तो फिर मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महान रिमान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने हर ब्लॉग में तो और बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। अभी मैं फारी बैठी थी तो मैंने सोचा कि यार कैमरा उठाती हूँ और आप लोगों से कोई बात ही कर लेती, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई है नहीं जिससे मैं बात करूँ। मतलब सारे घर में इधर उधर गए हुए, अंबर आंटी और मरानकर मुजफ्फराबाद गए हुए हैं और मोहम्मद याहिया पार गए हुए रेस कोर्स, क्योंकि मोहम्मद ने बहुत तंग किया हुआ था मुझे, पार्क लेके जाओ। वो वहाँ गए, वसंत पढ़ने गया हुआ है। और बच्ची मैं और मेरी बेटी हम लोग घर पे हैं। और हमज़ा जो है वो गया हुआ है रेस्टोरेंट, उसने एक रेस्टोरेंट ज्वाइन किया है जो कि बहरिया में है, क्योंकि हमारा इन फ्यूचर इंशाल्लाह प्लान है कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट खोलना है। तो हमज़ा उसकी ट्रेनिंग्स के लिए बहरिया जा रहा है, तो हमज़ा सुबह चले जाता है रात को आता है। और जो सारा दिन होता है वो मैं और नेमल होते हैं, ठीक है। नेमल को उठे, मतलब रूटीन ही यही है कि हम उठे, नाश्ता वगैरह किया, फिर नेमल को शावर दिलाया, नेमल को खाना खिलाया, क्योंकि अब ये माशाल्लाह 6 मंथ्स की हो गए तो नेमल का सॉलिड फूड हम लोगों ने शुरू करवाया। मैंने तो जब ये 3.5 महीने की तब से इसको करवा दिया था, लेकिन इसका पेट खराब हो गया, इसको मोशन टाइप लग गए। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके, उन्होंने कहा 6 मंथ से पहले कोई वीट नहीं देना, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने इसको नहीं दिया, क्योंकि मैं सूजी वगैरह इसको दे रही थी, मैंने नहीं दिया। और अब क्योंकि 6 मंथ्स की माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है, तो मैंने इसको सॉलिड फूड जो है वो करवा दिया शुरू। मोस्टली ये बनाना खा लेती है और सूजी इसको इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन ताकत सूजी में मैं ट्राई करती हूँ इसको सूजी भी खिलाऊँ। और उसके बाद क्या नाम है, बनाना खा लेती है, मैंगो अगर क्या नाम है आते हैं तो उसकी मैं मतलब उसको मैश करके दे देती हूँ, या मिल्क शेक फॉर्म में दे देती हूँ। मतलब ये इस तरह कुछ खाती रहे, हर फ्रूट वगैरह सब कुछ खाए। तो उसके अलावा सूजी इतने शौक से नहीं खाती, मेरा हाथ दुख गया। अच्छा, फिर क्या नाम है, नेमल को मैंने किया जनाब, अभी मैं बोल रही हूँ ना कैमरे पर तो देख रही है,
तो निर्मल के साथ लगी रहती हूँ। पूरा दिन में बस यही रूटीन होती है, काम उठे, नाश्ता किया, काम काज में लग गए, रात हो गई, खाना खाया, फिर सो गए, उठे, काम काज में लग गए, बस यही रूटीन रहती है। मैं हमजा को भी कहती हूँ यार मैं क्या व्लॉग करूँ, क्या शूट करूँ, मुझे समझ ही नहीं। अच्छा जब मैंने मोबाइल ले लिया था ना, मैं हमजा को कहती थी मैंने मोबाइल लेना है, अगर हमजा देख रहा होगा तो हमजा कहेगा ये यही कहती थी। अच्छा मैं हमजा को कहती थी मैंने मोबाइल ले, मुझे आप मोबाइल लेके दो, फिर देखो मैं कैसे डेली वीडियोज बनाती हूँ, डेली व्लॉग्स बनाऊंगी पक्का पक्का। अब जब मोबाइल मैंने ले लिया तो हमजा कहता है पहले तो बड़ा कहती थी कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊंगी, बस मोबाइल का बहाना था, मोबाइल आ गया, कोई वीडियो शेड नहीं। मैं कहती हूँ यार करूंगी क्या, मैं घर में रह के क्या लोगों को दिखाऊंगी, ये बर्तन धोना, कमरा साफ करना, ये क्या नाम है, फिर निर्मल को संभालना। मैंने कहा लोगों हर एक की लाइफ में यही काम होते है, खास करके खवातीन की, घर में रहना, ये घर के काम काज करना, ये होता। मैंने कहा लोगों को डिफरेंट चाहिए होते, इवन कि जब मैं भी यूट्यूब खोल के बैठती हूँ तो क्या नाम है, यूट्यूब चैनल्स डिफरेंट देखती हूँ, तो आगे पीछे कोई मतलब कोई ऐसी वीडियोस देखती हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले, या कोई मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह इस तरह की देखती हूँ। तो हमजा मुझे कहते हैं नहीं नहीं डालो ये वो, तो मैंने सोचा कि चलें डालती हूँ देखती हूँ। अदरवाइज इतने मतलब काफ़ी हम लोग लास्ट टाइम मैं और हमजा आई थिंक सो गए थे हमजा की बर्थडे पे, हम लोग गए थे मतलब निर्मल के बाद हम गए हैं बाहर खाने पीने के लिए डिनर पे, बट वो फैमिली गई है, मैं और हमजा नहीं गए। तो मतलब काफ़ी अरसा ही हो गया कि मैं और हमजा कहीं नहीं गई ना, गए बाहर। तो इस वक्त निर्मल को मैंने नहला शहला के लिटा दिया है, मैं आप लोग दिखाती हूँ निर्मल क्या कर रही है। तो जनाब अभी मैंने निर्मल को नहला शहला के लिटाया है और ये देखें खेल रही है। निर्मल अब्रू करके दिखाओ, नेमू अब्रू, अब्रू करके दिखाओ, अब्रू अब्रू, गंदा गंदा। तो जनाब निर्मल माशाल्लाह खेल रही है, इसको मैंने रोमपर शॉम्पर पहना दिया। ये ना इस तरह के रोमपर वगैरह इस पतले स्टफ में खुश होती है, इसके लिए अक्सर मम्मा स्टिच करें या अंबर आंटी स्टिच करें ना, तो क्या नाम है ये नहीं पहन सकती ज़्यादा देर के लिए। अभी ईद पे अंबर आंटी कहा था इसके लिए शलवार कमीज़ बनानी है, तो मुझे शौक चढ़ रहा था कि शलवार कमीज़। अंबर आंटी ने हम लोग मम्मा के घर जब हमारी दावत थी तो अंबर आंटी ने बैठ के सी भी पूरी शर्ट सी ली और उसकी शलवार ही अन टाइम पर घूम गई, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। तो जनाब अभी निर्मल खेल रही है और बाकी घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और निर्मल ही है। कमरा मैंने कर लिया था साफ, मिरर्स आज मैंने साफ नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा रहने दो क्योंकि गेस्ट आए हुए थे। और बस यही सीन है अभी। इतनी कुछ सख्त किस्म की गर्मी हुई ना, मतलब मैं अभी इंशाल्लाह अपने इंस्टा पे भी ट्राई कर रही हूँ काफ़ी एक्टिव रहने का। एक तो जो है वैनिटी मेरे पास नहीं, मतलब मेकअप वैनिटी जो मैंने शादी से मेरा जो मेकअप चल रहा था वो अब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तो मैंने मेकअप भी लेना है। पर मैंने कहा अभी मतलब वीडियोस की खातिर मैं इतना एक्सपेंसिव मेकअप आजकल खाली, और जो मुझे चाहिए वो सारा ब्रांडेड मेकअप चाहिए, ठीक है। तो आजकल जो एक से फाउंडेशन ही है वो हुदा ब्यूटी की लगा ले, मेरा ख्याल से इस वक्त किसी कहीं पेजेस पे वो 5000 की मिल रही है, और वरना ऑनलाइन और स्टोर्स वगैरह पे वो ठीक ठाक महंगी है, 6-7 हज़ार की आई थिंक। तो मैंने अब इंशाल्लाह अपना वैरायटी बराबर करना है, लेकिन मैं सिर्फ जो है ना वो अच्छी क्वालिटी चीज़ें लूँगी जो मैं मतलब जिन पे अपने पे यूज़ करनी होंगी, तो मैं चीज़ों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो अंबर आंटी का वैनिटी भी जिससे मतलब हम अक्सर मेकअप करते हैं, वो अंबर आंटी वैनिटी भी मुजफ्फराबाद सैलून छोड़ के आ गई थी। जो हमारी आयरन है वो भी अंबर आंटी मुजफ्फराबाद छोड़ के है, जो हमारी रिंग लाइट है वो भी मुजफ्फराबाद में ही है। तो मैंने कोई कॉन्टेंट बनाया ही नहीं, वरना आजकल मैं फारी ही हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं इंस्टा के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंटेंट शूट कर लूँ, लेकिन वैनिटी नहीं है। तो ये सीन है, इंशाल्लाह जब वैनिटी आएगा तो इंस्टा पे भी मैं काफ़ी एक्टिव होंगी, क्योंकि अब मैंने जो है वो वीडियोस डालनी है इंस्टा पे भी एंड यूट्यूब टू। तो ये सीन है, और अभी 5 बज रहे आई थिंक, हमने नाश्ता लेट किया हुआ था आज, कल मेरी खाला आई हुई थी मुजफ्फरबाद से, फिर उन्होंने रात यहीं पर स्टे किया, वो अभी नाश्ते के बाद नहीं है। सुबह हमने नाश्ते में निहारी खाई थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी खाई थी तो अभी मेरे दिल कर रहा है। और आलू की मां मैंने बनाया था बहुत मज़े का, जिसको मैंने कोयले की जो धुनी थी वो दी थी, तो अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो गर्म करके खा लूँ। सो लेट्स सी। और नेमर एज यूजुअल अपना हाथ खा रही है, अब नेमर ने जो है ना रोना शुरू कर दिया। अच्छा ये ट्रे है, ये मतलब मेरी शादी का है,
और ये बहुत कन्वीनियंट है आप इसको। और ये जी बेड टेबल बन गई और निमल यहाँ रो रही है। इसमें जो पोटैटोस है ना वो मैं निमल को मैश करके देती हूँ। जनाब मैं खाना शाना खा के बैठी हूँ अपने टकले के पास। मैं गई थी मम्मा के, इस बार जो गई थी ना मम्मा की तरफ तो निमल की टिंड हो गई। मम्मा ने कहा कि इसकी टिंड करनी है तो उसकी टिंड जी की। और फिर थोड़े से इसके डैडी साहब आए तो उन्होंने भी हाथ सफाइयाँ की, तो उसकी वीडियो क्लिप भी है बल्कि मैं अटैच कर दूँगी इसके आगे। नेमल तो मेरी बेटी को उन्होंने गंजा कर दिया। हालांकि नेमल के बाल एज कम्पेयर टू अदर किड्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। नेमल के बाल मतलब जड ब्लैक थे और लंबे भी थे, लेकिन इन सबको शौक था कि नहीं जी थोड़े बड़े ज़्यादा आएंगे अच्छे आएंगे, तो मैंने कहा चले हो जाए। तो फिर हो गई नेमल की टिंडू, वरना जो भी देखते हैं तो कहते थे माशाल्लाह बच्चों के इतनी आसानी से इतने अच्छे बाल नहीं आते, इसके बहुत ज़्यादा अच्छे बाल थे। तो हालांकि सेवन्थ डे पे इसकी जो हकीके पे इसका इसकी जो टिंड हुई थी वही हुई थी, और अब जो है वो सेकंड दफ़ा हुई है कि आई होप कि इस बार कंप्लीट बाल निकले कि हमें तीसरी दफ़ा ना करवानी पड़े। हालांकि इसके अच्छे तो अभी कुछ ही डेज़ हुए हैं, मैं मम्मा के घर से आई हूँ और अच्छे इसके बाल आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो एक हफ्ते तक लगता है आ ही जाएंगे। मतलब प्रॉपर तो नहीं लंबे लंबे, लेकिन थोड़े थोड़े तो आ ही जाएंगे एटलीस्ट। तो ये सीन है ना मेमू, है ना? हंसकी बता दो, हंसकी बता दो, हंसकी बता दो, हंसकी 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 हंसकी। ये कैमरे को इतनी गौर से देखती है, इसको पता चल जाता है कि कुछ वीडियो बन रही है। जो ही कैमरा निकाल के स्टार्ट, ये देखना शुरू। मुन्नी 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 vlog here. Hope you like the video. If you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel which is Mahan Vlogs. And also like zarur kiya kare because aajkal YouTube pe like bahut count hota hai. Aur dusri baat ye hai ki mujhe comment section mein batana hai aap logon ne ki aainda main aur aane wali videos kaise kaise banau. So do let me know in the comment section so I will make sure ki main apna 100% do. Theek hai, mere tab tak ke liye Allah Hafiz.